सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, क्या आपका मोबाइल चोरी हो गया? तो दोस्तों, जो मोबाइल चोरी हो गया वो तो वापस आप नहीं ला सकते, लेकिन दोस्तों आप जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं वो मोबाइल को आप सेफ रख सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत महंगा महंगा फोन रहता है। या आईफोन ले लेते हैं, सैमसंग ले लेते हैं, या कोई भी मोबाइल ले लेते हैं, एक रुपया का भी चीज रहती है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मैं मेहनत से पैसा कमाता हूँ तो जाके मैं मोबाइल खरीदता हूँ, तो आप यूज करते हैं। और उसी टाइम में कोई मोबाइल चोरी कर लेता है, या आप आपके घर से हो, या आपकी जब भी जॉब पे जाते हैं कोई शॉप में काम करते वहां से, या आपकी पॉकेट से कोई भी जेब काट करके आपका मोबाइल निकाल लेता है, तो दोस्तों आपको काफी अफसोस होता है और दिल में तकलीफ भी होती है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं, और बहुत तरह की आपकी मन में सोच रहती है, आप अपसेट रहते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये इन सब टेंशन को दूर कीजिए, क्योंकि जो आपको चोरी हो गया वो तो वापस नहीं ला सकते, अभी जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उन मोबाइल को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एप्लीकेशन के बारे में। वो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोबाइल कोई भी चोरी, एग्जांपल मान लेता हूँ यहाँ पे आपका मोबाइल चोरी भी हो गया, लेकिन दोस्तों वो मोबाइल चोरी होने के बाद आपको जो भी चोर रहेगा आपको हाथ में दे के जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई फेक नहीं बताता। तो काफी मैं एप्लीकेशन को रिसर्च करके मैंने एप्लीकेशन को ढूंढ निकाला और मैंने खुद ट्राई किया, तो जाके मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो नहीं बनाता कि जो आपको काफी टाइम वेस्टेड हो और उसे देखेंगे और आप काम भी नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ। चलिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्टेड नहीं करता, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें टाइम निकाल के वीडियो देखेंगे तो आपका जितने का मोबाइल है वो 60,000-70,000 का, तो वो मोबाइल काफी सेफ हो सकता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम है सितारे, आप देख रहे हो गाटू का चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको जाके बताऊंगा नहीं, ना एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं जब भी एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले वीडियो को पॉज करते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, और आपका इंस्टॉल करने का जो भी गलत सेटिंग कर देंगे तो आपका मोबाइल का जो भी इंपॉर्टेंट फाइल रहेगा, डेटा रहेगा, तो आपका मोबाइल का डेटा सारा फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर बाद में आप गुस्से से मुझे कॉमेंट लिखेंगे कि गलत वीडियो बनाता, गाली भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि ये पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से आप इसे सेटिंग करेंगे। तो मैं आपको नाम बताऊंगा और उसे जाके इंस्टॉल करेंगे और आसानी से यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी मोबाइल सेफ रहेगा और कोई भी चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जब भी कोई चोरी करेगा और आपको हाथ में ला के देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन ओपन करके। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन किया, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आपको डालना होगा। डालने का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड व्हाइट कलर का आइकॉन है बटन की तरह, उसे अनेबल कर लीजिए। अनेबल जब भी क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग में लेके जाएगा, आपको परमिशन देना होगा, यानी डिवाइस को एक्टिवेट करता है ये, डिवाइस को एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने का ऑटोमेटिकली बैक होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में लेके जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको लैंग्वेज मिल जाता है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक इंग्लिश सिलेक्ट करके रखा हूँ, तो आपके जो भी सिलेक्ट करना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब भी यहाँ पे पासवर्ड आप शो करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं 3 स्टेप को अनेबल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बात करें फर्स्ट सेटिंग का, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसीविंग, क्योंकि रिसीविंग SMS क्या होता है कि जब भी आपका मोबाइल स्विच अप करेगा और आपको एप्लीकेशन भेज देगा, आपको रजिस्टर जो भी इस एप्लीकेशन में रजिस्टर नंबर को ऐड करेंगे तो जाके आपको मैसेज भेज देगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी सेटिंग की बात करें सिम कार्ड रिमूवल, इसे अनेबल करेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी वो क्या करता चोर कि मोबाइल चोरी कर लेता, सबसे पहले सिम को निकाल के फेंक देता है। जब भी वो सिम को निकाल के फेंकेगा तुरंत आपको लोकेशन भेज देगा कि कहाँ पे सिम निकाला और किस जगह पे है, वो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बताऊँ, ब्लॉक सिम कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक सिम कार्ड इसलिए यहाँ पे है क्योंकि आप जब भी आपका मोबाइल चोरी होगा तो मोबाइल के साथ साथ सिम भी चोरी होगा, क्योंकि उसके अंदर सिम लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आप कस्टमर केयर को कॉल कर देंगे कि मेरा सिम चोरी हो गया है, मैं बंद करना है। तो जब भी आपको कस्टमर ब्लॉक करेगा सिम कार्ड को, तो आपको जितनी भी मोबाइल का डेटा रहेगा मोबाइल के अंदर वो फॉरगेट हो जाएगा, यानी जो भी चीज़ पर्सनल चीज़ रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन की बात करो, सिम कार्ड रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे सिम कार्ड रिप्लेसमेंट ये है कि वो क्या करता है चोर कि वो सिम को निकाल के फेंक देता है, मोबाइल को फॉरगेट भी कर देता है, और जब भी वो नया सिम डालेगा
तो आपको क्या करेगा, जो भी आप एप्लीकेशन में रजिस्टर नंबर किए होंगे वो आपको जो भी नया नंबर लगाएगा वो नया नंबर आपके रजिस्टर नंबर पे सेंड कर देगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसे अनेबल कर लीजिए। इसे अनेबल करने का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग, सेटिंग को क्लिक करेंगे और जिस नंबर पे आप SMS चाहते हैं यहाँ पे नंबर को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के यहाँ पे देख सकते हैं अनेबल करके इसे सिंपल ओके पे क्लिक कर दीजिए तो जाके आपका सेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन, इसे भी अनेबल कर लीजिए पूरा अनेबल करने के बाद सेटिंग का। तो यहाँ पे आपको थीम्स भी मिल जाता है, थीम्स जैसा रखना चाहते हैं वैसा थीम्स को बना सकते हैं। सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो सेटिंग कर लिया, ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह काम करता है या नहीं करता है। तो इसे सिंपली ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये चेक करने के लिए इसको ऑन करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब भी आप इसे ऑन नहीं करेंगे और चेक करने जाएंगे तो आपका डेटा भी डिलीट हो सकता है और आपका जो भी चीज़ जो भी फाइल है वो भी डिलीट हो सकता है। इसलिए आप जब भी चेक करें तो इसे अनेबल करके चेक करें तो आपका काफ़ी सेफ रहेगा। चेक करने का दोस्तों यहाँ पे अनेबल सब कुछ कर लीजिए। अनेबल करने के बाद तो जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, आप अपने रजिस्टर नंबर पे SMS चाहते हैं तो दोस्तों आपका 70,000 का 80,000 का फ़ोन है तो आपको उसे बचाने के लिए तो आपको सिंपल 95 रुपीज़ का आपको खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, यानी आपको SMS पाने के लिए। तो दोस्तों 95 तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसे परचेज कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सेटिंग बता दिया, तो मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ERADOO। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ERADOO। प्ले स्टोर में नाम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा और सिंपली फ्री में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आएगा किस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं, मोबाइल को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो को अब तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन दोस्तों भी पता चले ये सिक्योरिटी के बारे में, जो मोबाइल को सेफ रख सकते हैं, जो उनको भी मालूम नहीं होगा तो उन्हें शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा और मुझे भी हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों अब तक होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से टिप्स और ट्रिक्स चैनल पे आती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेंगे किसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।